हेलो हेलो। हाँ नमस्कार बच्चों, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर, गुड सबको, मॉर्निंग गुड सर, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। बड़े मॉर्निंग आदर से सर, आप सभी का स्वागत। हाँ जुड़ने दो बेटे, दो चार बच्चे और जुड़ जाए, एक बार चालू करते अपनी पढ़ाई। आवाज आ रही है स्पष्ट? यस और बोर्ड दिख रहा है सबको? सर, यस वेरी गुड वेरी गुड। सर, एट क्लास बेटे, एट क्लास है ना? यस कौन सर, सी क्लास अपनी? थर्ड क्लास है ना, तीसरी क्लास? यस सर, हाँ, दो क्लास पहले हो चुकी है अपनी। उसमें हमने फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था भाषा, स्वर, व्यंजन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के बारे में। दूसरी क्लास में हमने माहेश्वर सूत्र और कुछ प्रार्थना पत्र, ठीक है ना, वो पढ़े थे। आज हम संधि पढ़ेंगे, ठीक है ना। संधि के भेद, संधि के प्रकार, संधि किसे कहते हैं, और संधियों के भेद के अंदर भी भेद, यानी जैसे स्वर संधि के भेद, व्यंजन, इस प्रकार हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक अपना संधि का है आज। बड़े आवाज आ रही है सबको? यस वेरी गुड वेरी गुड। चलो शुरू सर, करते हैं हम। अब जुड़ते रहेंगे ओके बच्चे, सर, जो जुड़ेंगे वो। देखो बेटे, आज का टॉपिक जो आपका है वो संधि है। सर्वप्रथम हमें ये पता होना चाहिए कि संधि किसे कहते हैं। जैसा कि जो प्रारंभिक क्लासे हैं अपनी, पूर्व क्लासे हैं, 7th आपकी 6th, उसमें पढ़ाया होगा आपको संधि किसे कहते हैं। बेटे संधि कहते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। याद रखना, ध्यान रखना, शब्द नहीं आएंगे, वर्ण आएंगे। शब्द नहीं आएंगे, वर्ण आएंगे। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह आपकी संधि कहलाती है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार तो आएगा ही, जब संधि होगी तब विकार होगा। विकार का मतलब है परिवर्तन। या तो दोनों वर्णों के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाएगा, या उन वर्णों को, वर्णों में कुछ परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वह संधि कहलाती है। तो हम परिभाषा अगर सही लिखेंगे तो क्या होगी आपकी? दो वर्णों के परस्पर दो वर्णों मेल से दो विकार के उत्पन्न होता है। परस्पर बेटे आवाज नहीं मेल आनी चाहिए, आवाज किसकी आ रही है? दो वर्णों हाँ सर, जो आपने से जो लिखा है उसके आगे क्या लिखा है? ये कहाँ पे? मेल से जो उसके विकार, आगे जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, उत्पन्न होता है, संधि कहलाती है। जैसे विद्याधन आलय क्या बन जाएगा? विद्यालय। रमा प्लस ईश क्या बन जाएगा? रमेश है। तथा प्लस एव, तथेव। जैसे आपके मन प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। हरि प्लस ईश है, हरीश है। जैसे कह प्लस चित, कश्चित।
जैसे आपके ओ ले लो आप गण प्लस ईश है, गणेश है, प्र प्लस एजते प्रेजते, जैसे कह प्लस अवदत को अवदत। यानी हमें यह ध्यान रखना है कि दो वर्णों का मेल होता है तो या तो परिवर्तन होगा या फिर बाद में उनके स्थान पर दूसरा वर्ण बन जाएगा। जैसे विद्या प्लस आलय दो आ है एक हो गया, ई है ए हो गया, आ ए है आई हो गया, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, दो ई है तो दीर्घ ई हो गया, विसर्ग के स्थान पर श हो गया, यहाँ पे ए गुण हो गया, यहाँ पे प्ररूप हो गया, यहाँ पे विसर्ग संधि में को अवदत बन गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, लिख लो एक बार इसको पहले। हाँ लिख लो बेटे पहले इसको। सर नोट कर लिया। हाँ बेटे नोट कर लिया ये। हाँ और कर ले दो बेटे, और है कुछ बच्चे हैं उनको कर ले दो एक बार। ओके सर। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? संधि की परिभाषा उदाहरण समझ में आ गए सबको? यस सर। याद कर लोगे इनको? वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो, वेरी गुड। आपको मैंने बताया था कि इनको लिखना है आपको नोटबुक में डेट डाल करके, फोटो क्लिक करके आपको ईआरपी वेब पे भेजना है विद्यालय के। किया है सबने? सबने किया है बेटे? ऐप पे डाउनलोड किया है होमवर्क करके? यस सर। गलत बात है बेटे, जो सब नहीं बोल रहे इसका मतलब बहुत बच्चों ने नहीं किया है। आज से ऐसा करोगे, पहले वाले काम को भी आप अपलोड करोगे, इसको भी करोगे आप, ठीक है ना? वरना कोई मतलब ही नहीं रहेगा पढ़ने का। जो काम कर रहे हो या तो आप साथ साथ में फिर को एक कॉपी में कर लिया करो, डेट डाल लिया करो, धीरे धीरे लिख लिया करो, आराम से दो मिनट ज्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बढ़िया राइटिंग में, और उसी को आप भेज लेना फिर बाद में, ठीक है ना? हाँ तो ये आपकी संधि हो गई, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है वह संधि कहलाती है। आपके ये उदाहरण हो गए आपके। आगे देखते हैं हम अब। अब देखो संधि के भेद। अब संधि के भेद कितने हैं? तो हमने पहले पढ़ा है कि संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला है आपके स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है आपके विसर्ग संधि। देखो स्वर संधि को हम अत संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि आपके है। स्वर संधि को अत संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि स्वर संधि में स्वर आते हैं और स्वर अच स्वर अच स्वर है। हल संधि इसलिए कहते हैं कि हल व्यंजन है, इसलिए इसको हल कहते हैं। ऐसे लेकर के ले तक के वर्ण होते हैं इसमें, इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि संधि के तीन भेद हैं और तीनों के मैं नाम लिख रहा हूं यहाँ पे। प्रथम है आपके स्वर संधि, जिसको हम अच संधि भी कहते हैं। दूसरी है व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि भी कहते हैं, और थर्ड है आपके विसर्ग संधि, इसको हम विसर्ग ही कहते हैं। लिख लो एक बार इसको, संधि के भेद लिख लो आप। लिख लिया?
यस सर वेरी गुड सर संधि के तीन भेद पढ़ा हमने स्वर संधि असंधि व्यंजन संधि हल संधि और विसर्ग संधि आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं पहले अब देखो स्वर संधि किसे कहते हैं देखो हमने पढ़ा था कि दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं दो स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं यहां पे वर्ण नहीं आएगा स्वर संधि में यहां पे स्वर आएगा दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है स्वर संधि कहलाती है दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार होता है स्वर संधि कहलाती है यहां पे दो स्वर आएंगे वर्ण नहीं आएंगे जैसे विद्या प्लस आलय विद्यालय रमा प्लस ईश रमेश है गण प्लस ईश गणेश है जैसे नई धन अक है नायक है जैसे सदा प्लस एव सदैव जैसे प्र प्लस एजते प्रेजते जैसे आपके उपधन औषति उपोषति इसी प्रकार आपके जैसे देवधन आलय देवालय जैसे देव प्लस इंद्र देवेंद्र सदा प्लस एव सदैव हो गया आपके जैसे तथा एव तथैव इस प्रकार आप इन उदाहरणों में देखो आपको दोनों तरफ स्वर ही नजर आएंगे यहाँ पे जैसे वह में ए है वह में ए है तो इस प्रकार यहाँ पे परिवर्तन होता है वह आपके स्वर संधि कहलाती है लिख लो इसको लिख लो पहले और समझा देते हैं फिर लिख लो सारे बच्चे लिख लो इसमें केवल आपको यह ध्यान रखना है कि स्वर संधि के अंदर दोनों स्वर होते हैं यहां पे व्यंजन का कोई महत्व नहीं होता है व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है
दोनों पदों में प्रारंभिक जो पूर्व पद है उसके अंत में और उत्तर पद के प्रारंभ में आपको स्वर ही नजर आएंगे और इन्हीं के स्थान पर परिवर्तन होगा, इस कारण से इसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या प्लस आलय में आ आ है तो आ हो गया, रमा प्लस ईश में रमेश है तो रमेश हो गया, गण प्लस ईश में गणेश है तो गणेश हो गया, आपके नई अक ऐ के स्थान पर आय हो गया, यहाँ पे ऐ हो गया, वृद्धि हो गई यहाँ पे, पर रूप हो गया, गुण हो गया यहाँ पे, पूर्व रूप सॉरी पर रूप देव अलग दीर्घ संधि हो गई यहाँ पे, यहाँ पे गुण हो गया और यहाँ पे वृद्धि हो गई। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्वर संधि के अंदर जो है वो दोनों स्वरों में मेल होता है, ठीक है ना। आगे देखो, अब इसके बाद में आती है आपके व्यंजन संधि। स्वर संधि के बाद में कौन संधि आती है? व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि को हम हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि अब देखो इसमें क्या होगा, व्यंजन संधि में या इसमें दो होंगे, या तो दोनों व्यंजन होंगे, या तो दोनों क्या होंगे व्यंजन होंगे, या एक व्यंजन और एक स्वर होगा। अगर इस प्रकार का परिवर्तन होता है तो वह आपकी व्यंजन संधि कहलाती है। ये ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, या तो दोनों स्वर होंगे सॉरी दोनों व्यंजन होंगे, या एक व्यंजन और एक स्वर होगा। तो लिख लो आप इसकी परिभाषा, वह संधि जिसमें दो व्यंजनों अथवा एक व्यंजन व एक स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है एक व्यंजन में होता है व्यंजन संधि कहलाती है। वह संधि व्यंजन संधि कहलाती है। यथा जैसे रामस धन से थे, रामस से थे कस प्लस चित कश्चित, जैसे आपके हरीश से थे जैसे बुद्धन धी जैसे सिद्ध प्लस धी सिद्धि, इसी प्रकार जैसे इष्ट कृष्ण 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 जगत प्लस ईश जगदीश है सत प्लस चित सचित इसी प्रकार दिक प्लस अंबर दिगंबर है इसी प्रकार श्वेतांबर है और भी अनेक उदाहरण है। चित आनंद चिदानंद है उद्देश्य सदैव सट आनंद सुप अंत सुबंत है
सर इसमें दिख नहीं रहा, इसमें साफ नहीं दिख रहा सर। कहाँ नहीं दिख रहा है? अरे बेटा किस सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना सर? बहुत क्लियर नहीं दिख रहा सर। सर अब दिख रहा है बेटे, अपने इसको स्लाइड को चेंज करो, सही देखो आप उसमें दिख रहा है? मेरे स्क्रीन पे भी वो आ रहा है जो आपके है, वो पूरा आ रहा है मेरे पास? लिख लो इसको, ये उदाहरणों में। अब आप देखो इसमें, देखो यहाँ पे दोनों में व्यंजन है यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे एक व्यंजन और एक स्वर है, यहाँ पे एक व्यंजन और एक स्वर है, यहाँ पे एक व्यंजन और स्वर है। तो इस कारण से ये ध्यान रखना है कि व्यंजन संधि में या तो दोनों व्यंजन होते हैं या एक व्यंजन और एक स्वर होता है। लिख लो इसको, अनम्यूट कर लेना। अरे स्पीकर बंद करो, कौन है ये? ऑडियो बंद करो अपना। ये गोराव बंद करो बेटे ऑडियो को। लिख लिया सबने? नो सर। हाँ लिख लो बेटा, लिख लो आराम से, लिख लो आराम से, धीरे धीरे लिख लो, पर लिखना बढ़िया तरीके से, है ना? नोट कर लिया। हाँ और कर लो बेटे, और कर लो जो रह गए वो, एक मिनट और देता हूँ। ओके सर। सर कर लिया। वेरी गुड। कर लिया सर। अब देखो एक बार समझ लो। कर लिया सर। हमने देखा कि या तो दो व्यंजन हो या एक व्यंजन और एक स्वर हो, तो ऐसी संधि व्यंजन संधि कहलाती है। अब यहाँ पे आप उदाहरणों में देखो, कहीं पे आपको दोनों व्यंजन मिलेंगे, कहीं पे एक व्यंजन और एक स्वर मिलेगा। तो इस प्रकार जो परिवर्तन होता है, जो विकार आता है, वह आपके व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो विसर्ग संधि, विसर्ग संधि किसे कहेंगे? पहले पढ़ाया था आपको कि विसर्ग के स्थान पर होने वाला जो परिवर्तन है, विसर्ग के स्थान पर होने वाला जो परिवर्तन है, अर्थात विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होकर कोई दूसरा वर्ण बनता है, विसर्ग गायब हो जाते हैं, लोप हो जाता है विसर्गों का, तो ऐसी जो संधि होती है वह आपके विसर्ग संधि कहलाती है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं एक बार, पहले डेफिनेशन लो। विसर्ग के स्थान पर
होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं? विसर्ग के स्थान पर होने वाले, अर्थात विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है वहां पे विसर्ग संधि होती है। जैसे हम देखते हैं मन प्लस विज्ञान, अब यहां पे विसर्ग है तो विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होगा क्या बनेगा? मनोविज्ञान। जैसे कह प्लस चित्त, कश्चित। जैसे राम है सेते, राम है सेते। जैसे आपके हरि अवदत, हरी रवदत, इसी प्रकार आपके खूब उदाहरण हैं, जैसे वधु ऐसा वधु वैसा, ठीक है ना, विष्णु त्राता, बालह चलती, बालस चलती, वधु ऐसा, वधु ऐसा वद्वेषा, वधु ऐसा वद्वेषा, ठीक है ना। इसी प्रकार और उदाहरण है आपके, लिख लो इसको, जैसे कृष्ण अवदत, कृष्ण अवदत लिख लो, पितु इच्छा पितुर इच्छा, पितुरिच्छा, देख लो इसको, समझा देंगे फिर एक बार। बेटे आवाज नहीं करनी है, कौन कर रहा है आवाज? देख लो इसको, यानी आपको यह ध्यान रखना है कि विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होता है तो वह आपकी विसर्ग संधि कहलाती है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे बोलो। एग्जाम्पल नंबर 7 में बताना सर, वो फर्स्ट लेटर क्या है कृष्ण के आगे? 7 में बेटे, हाँ कृष्ण और मैं के बीच में, कृष्ण है अवदत, कृष्ण रवदत, नहीं सर कृष्ण और अणे के बीच में क्या है? ये स है बेटे, स है। क्या यहाँ पे क्या तो है? देखो जल्दी लिखो, एक स्वर संधि को पढ़ते हैं, फिर स्वर संधि का भेद को पढ़ते हैं। लिख लिया सर। सर लिख लिया।
लिख लिया। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि। अब स्वर संधि के अंदर हमें भेद पढ़ने हैं उसके। देखो स्वर संधि के मुख्य भेद होते हैं, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि, ये आपके सात संधि के भेद हो गए। लिख लो इसको पहले एक बार। पहला है यण संधि, दूसरी है अयादि संधि, तीसरी है गुण संधि, चौथे नंबर पे वृद्धि संधि, पांचवे पे दीर्घ संधि, छठवे पे पररूप संधि और सातवें पे पूर्व रूप संधि। अब देखो सर, तीसरी संधि कौन सी है? गुण संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, पररूप संधि और पूर्व रूप संधि। अब देखो यण संधि में क्या होता है, इको यण से एक सूत्र है, उस वो करता है यण के स्थान, इक के स्थान पर यण आदेश। अयादि में क्या होता है, एचओ के स्थान पर अयाद आव आय आदेश होता है। गुण संधि में क्या होता है, अगर ए या आ के बाद में ई है तो ए गुण और ऊ है तो ओ गुण और री री है तो अर और ले री है तो अल, ये गुण होता है। वृद्धि में क्या होता है, समझ लो बेटे केवल बोल रहा हूं, पढ़ाएंगे बाद में। फिर वृद्धि में क्या होता है, अगर ई ई के बाद में आपके ए आई है तो आई वृद्धि और ओ औ है तो औ वृद्धि। दीर्घ संधि में क्या होता है, अगर दोनों आमने सामने समान वर्ण आ जाए, अकह सवर्ण दीर्घ, अगर सवर्ण दीर्घ आ जाता है, सवर्ण आ जाता है तो वहां पर अपने ही वर्ण का दीर्घ वर्ण हो जाता है तो वह आपकी दीर्घ संधि होती है। पर रूप में क्या होता है, एकारांत ओकारांत धातु के बाद में अगर, सॉरी अकारांत उपसर्ग के बाद में अगर एकारांत ओकारांत धातु आए तो वहां पर रूप होता है। और पूर्व रूप में क्या होता है कि आपके ए या ओ के बाद में अगर ए आ जाए तो वहां पर पूर्व रूप होता है। अब क्या क्या होता है वो हम कल पढ़ेंगे। इसमें यण संधि अलग अलग, इसके डेफिनेशन अलग अलग लिख करके, अलग अलग उदाहरण दे करके इसको समझेंगे। तो मैंने आपको जो बताया अभी पढ़ाया है उसमें आपको क्या करना है, आपको डेट डाल करके अभी फेयर करनी है, इसके बाद में उसकी फोटो क्लिक करके आपको आपके ऐप के ऊपर डाउनलोड करना, उसके ऊपर भेजना है आपको। ये आपका होमवर्क होगा और आपके वही आपका जो होमवर्क जो आपने लिख लिया है वो कंप्लीट है, उनको याद करना है आपको। आपको क्या करना है, लिखना भी है और उसको याद भी करना है, ठीक है ना। तो याद करने के लिए जैसे आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा ना, उस वक्त आपके प्रश्न आएंगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है, इसलिए आप ध्यान पूर्वक आपको उसको लिखना है और समझना है। किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है बेटे। जो ये पहले का वर्ग है वो, हाँ बेटे बोलो, समझ में आ रहा है ना सर? जो आप ये पहले का वर्ग था वो मेरे पास नहीं है लिखा हुआ, तो आप वर्ग कैसे करूं मैं पिछला वाला? बेटे पिछले वाला तो ऐसे करना, आप जो YouTube चैनल है ना अपना स्कूल का,
यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका ये मिल जाएगा, आप उसको पढ़ लेना, ठीक है ना। विद्यालय के चैनल के ऊपर यूट्यूब पे मिल जाएगा, उसको देख लेना आप, पढ़ लेना उसको, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ ठीक है बेटे, आप देखो एक बार, एक बार देखो, एक बार और बता देता हूँ आपको मैं, रिव्यू कर लेते हैं हम, पढ़े हैं वो, हमने पढ़ा था संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह आपकी संधि कहलाती है, ठीक है ना। संधि के भेद थे, तीन भेद होते हैं आपके, स्वर संधि जिसको हम असंधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि जिसको हम हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? स्वर संधि में होता है बेटे दो स्वरों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, अर्थात यहाँ पे स्वर आएंगे, दोनों स्वरों के स्थान पर परिवर्तन होगा या दूसरा वर्ण बनेगा तो वह आपकी स्वर संधि होगी। इसके बाद में व्यंजन संधि, या तो दोनों व्यंजन हो या एक व्यंजन और एक स्वर हो तो वह आपकी स्वर व्यंजन संधि कहलाती है। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग के स्थान पर होने वाला जो परिवर्तन है, अर्थात विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है वह आपके विसर्ग संधि कहलाती है। तो आपको यह ध्यान रखना है, याद रखना है इसको, कि संधि किसे कहते हैं, संधि के भेद क्या है और संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे संधि के भेद जो हैं उनमें से, उनके भेद यानी स्वर संधि के भेद, व्यंजन संधि के भेद और विसर्ग संधि के भेद कहाँ कहाँ पे होती है, उसका क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या उनमें विशेषताएं होती हैं, वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है बेटे। देखो आप एक बार सर। हाँ बेटे बोलो।